हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं स्कूल और कॉलेज से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है, कोई भी जानकारी आती है, सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों का डाउट था कि सर 12वीं के बाद हम लोग कॉलेज में जाएंगे तो हम लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो क्या सभी कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये डाउट था। और दूसरा ये था कि अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो अलग अलग कोर्स में बीकॉम करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। ठीक है, ये पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का मैं आपको बताऊंगा, इसी बेस पे आगे के विश्वविद्यालय में भी हो सकते हैं, संभावना तो यही लग रही है। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके सामने रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, अपडेट आए, आप तक पहुँच जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रवेश ऑनलाइन परीक्षा से होगा और कॉलेज में 12वीं के नंबर से सीटें मिलेंगी। तो ये क्या लिखा हुआ है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उनको 12वीं के सीटें से मिलेंगी। तो ये किस तरह मिलेंगी ये भी इसमें बताया गया है। आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या होने वाला है और 12वीं के कितने परसेंट वाले बच्चों को कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा, ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। देखिए पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हैं और उसमें जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन स्टार्ट हो गया है, वे जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो भी अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं उनका पीजी में ही अभी एडमिशन चालू हुआ है, अभी 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में चालू नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो भी ग्रेजुएशन के बाद पीजी करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन टेस्ट देने होंगे और ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से ही उनको प्रवेश मिलेगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आप लोगों को जो भी बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटी के अगर पढ़ना चाहेंगे तो उनको टेस्ट देना होगा और टेस्ट में क्या क्या आने वाला है ये मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। टेस्ट में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सवाल आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल किस तरह के आएंगे ये आप लोग ग्रेजुएशन में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जो उसी टाइप के ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे और इस पर जो ज़्यादा जानकारी है कि टेस्ट का समय कितना होगा, टेस्ट को लेकर मतलब जितनी भी जानकारियां हैं, कौन कौन सा उसका सिलेबस होगा, ये सभी आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही अपडेट आप लोगों को किया जाता है तुरंत मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब आते हैं हम लोग 12वीं के बच्चों पर कि 12वीं के बच्चे को एडमिशन कैसे मिलेगा जो भी कॉलेज में जाना चाहते हैं। तो जो भी बच्चे यहाँ पर आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में बीकॉम, बीएससी, बीए, इसके अलावा अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आप लोग फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कॉलेज में प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो 12वीं के बच्चे ध्यान दें, आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत जो कॉलेज है उसमें एडमिशन नहीं होने वाला है। जैसे कि पिछले साल आप लोगों का जो मेरिट था मेरिट बेस पे ही आप लोगों को कॉलेज दिया गया था और जो भी आप लोगों के परसेंटेज थे उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को कॉलेज दिया गया था, वैसे ही इस बार भी आप लोगों को परसेंट के हिसाब से ही जो भी रेगुलर वाले बच्चे होंगे उनको प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से करीब 150 कॉलेज जुड़े हुए हैं, यहाँ करीब 40,000 सीटें हैं, राजधानी समेत विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेज में बीए, बीकॉम, बीएससी के अलावा पीजी के विभिन्न कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। अगर आप लोग कॉलेज में अगर पीजी भी करते हैं तो आप लोगों का बस मेरिट बेस पे ही जो है आप लोगों को प्रवेश मिल जाएगा। आप लोगों को इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों का प्रवेश परीक्षा नहीं होगा। जो भी बच्चे अभी 12वीं पढ़ के जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में कॉलेज में करने जाएंगे उनका कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होने वाला है। ये बात बस हो रही है नॉन टेक्निकल की, यहाँ पर टेक्निकल की बात नहीं हो रही है। टेक्निकल मतलब जो भी इंजीनियरिंग वगैरह करने जाएंगे उनका तो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही
एडमिशन मिलता है। यहाँ पे नॉन टेक्निकल की बात हो रही है, जिसमें कि आप लोगों का बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए 12वीं के नंबर को आधार बनाया जाएगा। इसके अनुसार मेरिट सीटें तैयार की जाएंगी और सीटें बांटी जाएंगी। जबकि पीजी में प्रवेश के लिए ग्रेजुएशन के नतीजे जो होंगे आप लोगों के, ग्रेजुएशन में जितना परसेंट बना होगा उसको आधार मानकर आपको मेरिट में बनाया जाएगा और सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आगे और भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।